सुप्रभात विद्यार्थी, अब हम पाठ 16 सबसे दृष्टि विभाग मैत्री के अंतर्गत अभ्यास के तीसरे प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पहले और दूसरे प्रश्न को देखे थे। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है उभो कथम स्वयं समयम नयतः स्म। उभो कथम समयम नयतः स्म, वे दोनों कैसे समय बिताते थे। तो उभो सुखेन वार्ता कुर्वन्तो समयम नयतः स्म, वे दोनों सुख से बातचीत करके समय बिताते थे। तो पहली लाइन में उस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है जलम दृष्ट्वा मंडुका किं करोत्। जलम मतलब जल को देखकर मेंढक ने क्या किया, क्या किया, जल को देखकर मेंढक ने क्या किया। जलम दृष्ट्वा मुदिता मंडुका अस्मिन् कुर्दति स्म, जल कीड़ां च अकरो। जल को देखकर खुश मेंढक उसमें कूदा और जल कीड़ा करने लगा। तो दूसरे पैराग्राफ में वहां के लाइन में तीसरा है मुष्का मंडुकम किम प्रार्थितवान। चूहे ने मेंढक से क्या प्रार्थना किया। मुष्का मंडुकम पार्थिवा पार्थिवान वही निश्चर्तो भवान अहम जले वस्तु न शक्नोमि। वही निश्चर्तो भवान अहम जलम अहम जले वस्तु न शक्नोमि। कि मूसक ने मंडूक से प्रार्थना किया कि बाहर निकालो आप, मैं जल में रहने के लायक नहीं। विद्वद्वीह किम उच्यते, विद्वान क्या कहते हैं। तो अंतिम पैराग्राफ की लाइन तो विद्वद्वीह उच्यते असमानेषु मैत्रीं कदापि न कर्तव्या समशीलेषु विभाति मैत्री। तो विद्वान कहते हैं असमान स्वभाव वाले में कभी भी मैत्री नहीं करनी चाहिए, समशीलेषु समान स्वभाव में भी मैत्री शोभा देती है। शीनस्य स्वादु भोजनं कौ अभवतम, चीन के स्वादिष्ट भोजन कौन दो हुए। कौन दो हुए थे, मुष्कः मंडुकः च। शीनस्य स्वादु भोजनं मुष्कः मंडुकः च अभवतम। इस प्रकार हमने मौखिक प्रश्नों का पूर्ण वाक्य के उत्तरों को मौखिक रूप में देखा। अब यहां है विशेषण विशेष्य उचित पदे कुल। विशेषण और विशेष को उचित रूप से मिला है। तो जैसे दृढ़ेन, तो दृढ़ेन का क्या हो जाएगा सूत्रेन। सूत्रबद्धवा, सूत्रबद्धवा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मुष्कः मुष्कः। मुदिता उस कौन हुआ था, तो मंडुकः। एके तो हो जाएगा सेने से लेन। श्रेयान संबंध। इस प्रकार विद्यार्थी इस वीडियो में हमने तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर को देखा। धन्यवाद।